अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले एक साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूंगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी हम मौजूद हैं सिवान के डाइट भवन पे, जहाँ पे हुसैनगंज प्रखंड के और हसनपुरा प्रखंड के जो पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ है उसके मतगणना का काम जारी है। और जैसे जैसे मतगणना का काम पूरा हो रहा है, उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं, हम वो रिजल्ट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास हुसैनगंज प्रखंड के प्रतापपुर का जो गांव है वहाँ की मुखिया का रिजल्ट आ चुका है। और यहाँ पे आपको बता दें कि महनाज प्रवीण उनको 821 मत प्राप्त हुआ है। ये प्रतापपुर, आपको बता दें कि प्रतापपुर पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का घर होता है और ये प्रतापपुर हमेशा सुर्खियों में रहता है। इस बार प्रतापपुर में जो मुखिया पद पे महनाज प्रवीण है उन्होंने 821 मत हासिल किया है और फूल कुमारी देवी इन्होंने 776 मत हासिल किया है। इस तरह से महनाज प्रवीण ने आपको बता दें कि 45 मतों से विजयी प्राप्त हुई हैं और उन्होंने फूल कुमारी देवी को 45 मत से हराया है। और उसी तरह से BDC प्रतापपुर के में ही BDC पद के लिए जो रिजल्ट हमारे सामने आए हुए हैं उसमें बीनू देवी 112 मत प्राप्त किया है और निशा उन्हें सिर्फ 99 वोट से संतोष करना पड़ा है। और इस तरह से लगभग 13 वोटों से बीनू देवी ने विजय हासिल की है। और उसके बाद से प्रतापपुर के ही मचकना जो पंचायत है वहाँ का रिजल्ट आया हुआ है। खुशबुल निशा जो 528 मत प्राप्त किया है और राजकुमारी देवी 475 मत मिला है उनको। इस तरह से खुशबुल निशा विजयी घोषित हुई हैं। मचकना प्रखंड के मचकना पंचायत के BDC पद पे। और एक बार फिर आपको बता दें कि हुसैनगंज प्रखंड के प्रतापपुर गांव से मुखिया पद पर महनाज प्रवीण 45 वोटों से विजयी घोषित की गई है। और उसके बाद आपको ले चलते हैं हुसैनगंज प्रखंड के सिधवल पंचायत में, जहां के जो सदस्य वार्ड सदस्य हैं 13 वार्ड सदस्यों को विजयी घोषित कर दिया गया है। उनके नाम इस प्रकार से हैं, दिलीप कुमार यादव विजयी हुए हैं, दूसरे नंबर पे कुतुब तारा हैं और तीसरे नंबर पर मुकेश यादव, चौथे पे हैं आपको प्रीति कुमारी, पांचवे पे हैं अखिलेश कुमार यादव जिनको 71 वोट मिला है और मुकेश चौधरी उन्होंने भी 71 वोट प्राप्त किया है। इस तरह से यहाँ पे टाई हो चुका है और ये अब इसका फैसला वोट एक बार फिर आपको बता दें कि अखिलेश कुमार यादव उन्होंने 71 वोट प्राप्त किया है और वहीं से मुकेश चौधरी उन्होंने भी 71 वोट प्राप्त किया है और ये दोनों टाई कर गए हैं। अब इनके भाग्य का फैसला जो है
वो टॉस के माध्यम से होगा, जिसके भाग्य में अब देखना है कि टॉस किसके भाग्य में आता है। उसके बाद क्षेत्र संख्या 6 से वैजयंती देवी वो विजयी घोषित हुई हैं, 7 से नुरैसा खातून विजयी घोषित हुई हैं, 8 से सुरेश पंडित, 9 से कमलावती देवी, 10 से विकास बैठा और 11 से सितारा बेगम, 12 से बजरंग बली सिंह, 12 से बजरंग बली सिंह और 13 से मुकेश कुमार यादव, ये सभी लोग 13 प्रत्याशी हैं। इन ये सभी विजयी घोषित किए गए हैं। सिधवल पंचायत के ये ग्राम पंचायत के सदस्य बने हुए हैं और इन्हें आज विजय प्राप्त हुआ है। और इसी तरह से हम आपको बता दें कि प्रतापपुर पंचायत पंचायत के बीडीसी पद पे एक और रिजल्ट आ गया है, बीनू देवी, इन्होंने इनको 112 मत मिला हुआ है और मकसूदन नेसा इनको 99 मत प्राप्त हुआ है। इस तरह से लगभग 13 वोटों से ये बीडीसी पद पर बीनू देवी ने विजय हासिल किया है। और आपको इसी तरह जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। एक रिजल्ट और आया हुआ है, हुसैनगंज प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत से एक और रिजल्ट हम लोगों को मिला हुआ है। क्षेत्र संख्या 8 से 8 के जो वार्ड सदस्य जो विजयी हुए हैं उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं, कृष्णा प्रसाद ये विजयी घोषित हुए हैं और 9 से, क्षेत्र संख्या 9 से सुनीता देवी ये विजयी घोषित हुई हैं, क्षेत्र संख्या 10 से उर्मिला देवी को 79 मत मिले हैं, उर्मिला देवी को 79 मत मिले हैं और वहीं चिंता देवी को भी 79 मत मिले हुए हैं। इस तरह से यहाँ भी वोटों का जो अंतर है वो दोनों टाई कर चुका है और इनके भाग्य का फैसला भी टॉस से ही होगा। अब देखना है कि टॉस में कौन बाजी मारता है, उर्मिला देवी बाजी मारती हैं या चिंता देवी बाजी मारती हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। और क्षेत्र संख्या 11 से नूरुल हक, क्षेत्र संख्या 12 से आसिफ खान, क्षेत्र संख्या 13 से मोहम्मद रियाजुद्दीन, 14 से रवि शंकर यादव और 15 से रीमा देवी ये विजयी घोषित हुए हैं प्रतापपुर पंचायत के वार्ड सदस्य के रूप में। और जैसे जैसे रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट में थोड़ी सी विलंब जरूर हो रही है लेकिन ऑथेंटिक जब तक रिजल्ट न मिल जाए हमें लगता है कि शायद किसी भी मीडिया हाउस को आगे नहीं आना चाहिए। जैसे जैसे जिला प्रशासन के द्वारा हमें सूची प्राप्त हो रही है वैसे वैसे तत्काल तुरंत हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आप सिर्फ देखते रहिए ATN लाइव।